गाइज, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप जिसके फीचर्स अच्छे हों और अंडर बजट हो, ज्यादा महंगा ना हो, सो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हमने काफी सारे लैपटॉप्स को कंपेयर किया है और लास्ट में हमने दो लैपटॉप्स चूज किए हैं। हमने दो से ज्यादा एड नहीं किए हैं, क्योंकि ना तो हमें आपको बोर करना है और ना ही कन्फ्यूज। तो इस वीडियो में मैं आपको दो सबसे बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप 25,000 के अंदर परचेज कर सकते हैं। सो गाइज काफी यूजफुल वीडियो, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए लैपटॉप से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। पहले बात करते हैं एचपी की तरफ से आने वाले इस थिन एंड लाइट लैपटॉप की। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं काफी बेस्ट है। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, जो कि लैपटॉप में सबसे मेन होता है। इसमें प्रोसेसर इंटेल पेंटियम 4417 यूज किया गया है। इस प्रोसेसर की स्पीड रहेगी 2.3 GHz और इसमें हमें डुअल कोर्स मिलते हैं। इंटेल के डुअल कोर होने की वजह से ये ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगा कम्पेयर टू सिंगल कोर, और इसमें विंडो 10 यूज की गई है। इसकी डिस्प्ले है 14 इंच की HD डिस्प्ले। ध्यान रहे कि यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले नहीं दी गई है, यहाँ पर ओनली HD डिस्प्ले दी गई है। वैसे HD डिस्प्ले भी नॉर्मल यूज के लिए सफिशियंट होती है, और ये काफी पतला और हल्का है। वेट है 1.47 किलोग्राम, 7 आवर्स बैटरी लाइफ, वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो 4GB DDR4 रैम इसमें दी गई है। जैसा कि अभी रैम के अंदर DDR4, DDR5 मार्केट में अवेलेबल हैं, और हमें भी लेटेस्ट DDR4 रैम ही यहाँ पर मिलती है, और साथ ही 256GB SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज हमें यहाँ पर मिलती है। इसमें हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। एंड गाइस, ये सब तो इसके फीचर्स हो गए, लेकिन इसमें जो एक कमी है वो है कि इसमें हमें MS ऑफिस नहीं मिलता। एंड गाइस, इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर, कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई कनेक्टिविटीज, USB, ये सब कुछ इसमें रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अभी तक हमने कवर नहीं की, वो है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस है अराउंड 25,000 रुपीज़। एंड गाइस, इनकी प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती रहती है, तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप इनकी प्राइस चेक कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आपके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon के बेस्ट सेलर बाय लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर Amazon से भी इन लैपटॉप्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लैपटॉप देखने से पहले गाइस, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट लैपटॉप है अविटा की तरफ से। इसकी प्राइस है अराउंड 22,000। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इसका प्रोसेसर। इसमें AMD का A9 9420E प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। इस प्रोसेसर की स्पीड रहेगी 3.60 GHz, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसमें भी विंडोज 10 यूज़ की गई है, और इसका भी डिस्प्ले साइज़ 14 इंच है, बट यहाँ पर आपको HD की जगह फुल HD डिस्प्ले मिलती है। और ये भी एक पतला और हल्का लैपटॉप है, जिससे कि आप इसे ईजिली कहीं पर भी ले जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसका वेट है 1.27 किलोग्राम, यानी पहले वाले हमारे HP के लैपटॉप से भी कम, और इसकी बैटरी लाइफ रहेगी 10 आवर्स, पर यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर भी DDR4 रैम आपको मिलती है, बट यहाँ पर 4GB की जगह 8GB रैम मिलती है, और साथ में 256GB SSD स्टोरेज भी मिलती है। और एक और अच्छी चीज़ मिलती है कि यहाँ पर AMD के Radeon R5 ग्राफिक्स दिए गए हैं, और इसके लिए एक कंपनी ने स्लीव भी दी है जिसमें कि आप इसे रख सकते हैं, और 2 ईयर्स की वारंटी इसमें रहेगी। सो गाइस, अविटा जो कि इंडिया में अभी एक नई कंपनी है, बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ अपने काफी सारे लैपटॉप्स लॉन्च कर रही है, वो भी नॉर्मल प्राइस रेंज में, जिसमें से एक बहुत ही अच्छे लैपटॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इंडिया में इसके काफी सारे सर्विस सेंटर भी ओपन हुए हैं। सो गाइस, आप अविटा के इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अगर आप 25,000 से ऊपर का कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी, और अब आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप परचेज करना चाहिए। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।